महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। इसी बीच महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने मुंबई की 36 सीटों में से 18 सीटों की मांग की है। इसे लेकर महाविकास आघाड़ी में विवाद पैदा होने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मुंबई की 36 सीटों में से 18 सीटों की मांग की है। इसमें मालाबार हिल जैसे विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र और धारावी जैसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती शामिल है। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई में 20 सीटों की मांग की है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट ने 7 सीटों पर दावा किया है। कांग्रेस ने मुंबई में 18 सीटों की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने धारावी, चांदीवली, मुंबा देवी, मलाड वेस्ट, सयान, कोलीवाड़ा, कोलाबा, कांदीवली ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, बांद्रा वेस्ट, घाट कोपर वेस्ट, कोरला, वायकूला, जोगेश्वरी ईस्ट, मालाबार हिल, माहिम बोरीबली और चारकोप में चुनाव लड़ने की तैयारी की है। उद्धव बाबा साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना 20 सीटों पर अड़ी है। ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 7 सीटों पर दावा किया है। 2019 में ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई की 36 में से 19 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 28 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनसीपी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। राज्य में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, तो शिवसेना को 56 सीटें, एनसीपी को 54 सीटें और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अब ये उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है कि विधानसभा चुनाव के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीट आवंटन का फॉर्मूला क्या होगा। गणेशोत्सव के बाद सीट आवंटन का फॉर्मूला तय करने के लिए मैराथन बैठक होगी। इसके मुताबिक कांग्रेस 105 सीटों, शिवसेना ठाकरे गुट 100 सीटों और शरद पवार गुट ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इसके मुताबिक कांग्रेस ने 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। शरद पवार गुट 85 से 90 तक की लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही ठाकरे ग्रुप ने भी 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गणेशोत्सव के बाद महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में बैठक होगी। ये सभी बैठकें पितृपक्ष में होंगी। इसके बाद सीट आवंटन के बारे में अंतिम निर्णय की घोषणा नवरात्रि से पहले नवरात्रि के दौरान की जाएगी।